से संबंधित और आपके काम से संबंधित जो चीज बातें हैं उन पे हम थोड़ा सा विचार करें। तो इस सिलसिले में हम लोग डीसीआर क्लोजिंग पे ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके थे, उसमें एक अच्छा प्रभाव दिखा भी है। बिहार में शायद ही कोई ब्रांच ऐसी थी, परसों का मुझे याद है डेटा, कल का मुझे मोड ऑफ पेमेंट का डिस्कशन किया, तो उस को प्लान तक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं उन पेमेंट मोड को इस्तेमाल करके, तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। इसमें कंपनी का भी नुकसान है, ब्रांच में जो लोग मेहनत से काम करते हैं उनके लिए डीमोटिवेशन है कि एक स्टाफ की गलत काम से पूरी ब्रांच का नाम खराब होता है और साथ में कई लोगों की मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो आज हम लोगों ने जो ये सेशन रखा है इसका मकसद ये है कि हम फ्रॉड कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार किए जाते हैं उसको समझे और साथ में उनके रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंपनी की नजर में फ्रॉड केवल पैसे का ही हेराफेरी नहीं है। अगर आप कंपनी की प्रक्रिया के साथ हेराफेरी करते हैं या फिर कागज को लेके भी हेराफेरी करते हैं वो हमारी नजर में फ्रॉड है। इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कंपनी का लोन दिया गया प्रोसेस है, उसमें होम वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन है जो कायदे से कस्टमर के होम प्लेस पे होनी चाहिए, वहां नहीं होती, ब्रांच में बैठ के कर दी जाती है या किसी और जगह से की जाती है, तो यह कंपनी की नजर में फ्रॉड ही है। उस ब्रांच मैनेजर या सीबीओ के अगेंस्ट में फ्रॉड के बराबर का ही एक्शन लिया जाएगा। उसी प्रकार अगर आप कागज में कोई हेराफेरी करते हैं कि कस्टमर के बैंक अकाउंट में वाइटनर लगा के अंकों की संख्या को बदला गया या अंकों को बदला गया या फिर केवाईसी में आपने और कुछ कागज लगाए ऊपर फोटोकॉपी करके, वो भी उतना ही बड़ा फ्रॉड है। तो इन सबको एक ही नजर से देखा जाएगा, ये ना सोचें कि केवल पैसे का फ्रॉड ही फ्रॉड माना जाएगा। तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट क्लियर किया। अब हम देखें फ्रॉड होते कौन कौन से। अधिकतर इश्यू आप लोग जानते हैं क्योंकि आप में से जो भी हैं कम से कम 2-3 साल काम किए हैं इसी कंपनी में या किसी अन्य कंपनी में, वहां आप लोगों ने देखा है। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि एक बार अलग अलग किस किस्म के फ्रॉड हमारे पास आए हैं वो हम आपसे डिस्कस करें। सबसे कॉमन जो होता है वो है क्लाइंट के पैसे को लेके फ्रॉड होता है। इंस्टॉलमेंट जमा करी वो हमने कंपनी में जमा नहीं किया, फोर क्लोजर हुआ वो नहीं हुआ, सीएमएल की पेनाल्टी, एमबीएल की पेनाल्टी, इंस्टॉलमेंट जमा किया गया पेनाल्टी नहीं जमा करी गई कई, तो क्लाइंट द्वारा जो दिया गया पैसा है उसको लेके हेराफेरी होती है। उसके बाद हेराफेरी कहाँ पे होती है, डिजिटल रिसीट, पैसे हमने लिए मगर डिजिटल रिसीट नहीं इशू करी। फोन म्यूट करें। हाँ, दूसरी हेराफेरी है डिजिटल रिसीट, आपको उसी वक्त देनी है ना कि शाम को इकट्ठे सारी डिजिटल रिसीट काटनी है। जहां पे कलेक्शन हुआ उसी के वक्त आप डिजिटल रिसीट इशू करेंगे। इसके अलावा क्लाइंट का एक और बड़ी दिक्कत आ रही है, अब हमारा पोर्टफोलियो क्वालिटी थोड़ा खराब हो रहा है तो हम उससे बचना चाहते हैं, उसके लिए रेगुलर क्लाइंट का पैसा उठाकर हम एनपी और एरियर में एडजस्ट कर दे रहे हैं। अब जब स्टाफ को पकड़ा जाता है कहता है सर पैसा मैंने अपनी जेब में नहीं रखा, कंपनी में ही जमा किया मगर इस खाते में नहीं जमा करके दूसरे खाते में जमा किया है, क्लाइंट के लोन आईडी मैंने बदल दी, आपको एज ए स्टाफ कोई अधिकार नहीं दे सकता कि आप किसी और का पैसा किसी और पे चढ़ा दें। हमारी नजर में ये फ्रॉड है,
हम इसमें आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, अगर मुझे पता चला जिसने पैसा दिया उस पर पैसा नहीं चढ़ा, मेरे लिए वो फ्रॉड है, मैं उसके आगे कोई तहकीकात नहीं होगी वो पैसा और कहाँ चढ़ाया गया, आप लोन आईडी दे और ना दे, हमारे लिए वो फ्रॉड है। चौथा एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारे यहाँ, अगर ब्रांच में बहुत ज्यादा कैश इकट्ठा हो गया है जो अभी आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने के बाद होगा, इसीलिए कोशिश हम दो चीजें बता रहे हैं, पहला डिजिटल पेमेंट करवाइए तो ब्रांच में वैसे ही कैश कम होगा, नहीं तो कैश को तुरंत बैंक में जाके जमा करवाए, ब्रांच में कैश जितना कम होगा फ्रॉड होने के चांसेस उतने कम होंगे। पांचवा है क्लाइंट के साथ पूरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके अलावा क्लाइंट से हमें कोई मतलब नहीं, क्लाइंट से किसी भी तरीके का गिफ्ट, कोई भी पैसा, कमीशन, फोन का रिचार्ज, ये सब कुछ नहीं करवाना है क्लाइंट से। आपको कंपनी ने काम दिया है टारगेट, टारगेट आप अचीव करें क्लाइंट बनाकर उससे डॉक्यूमेंट लेके, लोन मिलना ना मिलना कमीशन पे निर्भर नहीं होता, कागज अगर सही है पीवी सही होगी तो लोन मिलेगा, अगर गलत है तो लोन नहीं मिलेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी का लोन पास करने का या फेल करने का, उसका क्रेडिट ब्यूरो ठीक है, पीवी सही है, कागज सही है, लोन मिलेगा, नहीं है तो फिर कंपनी में कोई लोन नहीं दिला सकता उस आदमी को। तो कस्टमर के साथ इससे ज्यादा संपर्क ना बनाए, लोन डिसबर्समेंट हो जाता है कलेक्शन से मतलब रखिए, इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है, चाय नाश्ता इन सब क्लाइंट के घर में अन्यथा बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आप जैसे कस्टमर के कागज को लेके होशियार हैं, अपने कागज को लेके भी होशियार रहें, नया स्टाफ ज्वाइन करता है पुरानी कंपनी के बारे में पूरी सूचना दे, किसी भी कागज में सैलरी स्लिप या ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी ना करें, अगर पाया गया उस पर भी कार्रवाई होगी। ये थे अलग अलग तरीके से फ्रॉड होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इन फ्रॉड को रोकने का तरीका। रोकने का तरीका बड़ा सरल है, अगर ये ऊपर बताए गए तरीकों पे हमारी नजर रहे तो फ्रॉड नहीं होंगे। फिर भी हम एक आप सब विजिट होगी, क्लाइंट से मुलाकात होगी, अपने आप पता चल जाएगा कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, पीछे का रियल होगा, बात होगी उसी वक्त खुल के सामने आ जाएगा। तो डिमांड पे विजिट कराइए, जितने अमाउंट का डीसीआर पैसा लिया गया उतने अमाउंट का ही डीआर काटें, ये डीसीआर क्लोजिंग के वक्त भी बताया गया था, लोन आईडी चेक करें सही लोन आईडी पे डीआर इशू हुई है कि नहीं और सही अमाउंट की डीआर इशू हुई है कि नहीं। तीसरा, डीआर टाइप करेक्ट होना चाहिए, अगर आपने पेनल्टी ली है तो पेनल्टी की डीआर काटी है, इंस्टॉलमेंट कीमत काटी है, और ये इंस्टॉलमेंट की डीआर काट दी गलत है, 3150 की इंस्टॉलमेंट की, 500 रुपए की पेनल्टी की डीआर अलग कटेगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, शाम को जब आपके अनपेड कस्टमर आपको पता चल गए इन्होंने आज डिमांड थी पैसे नहीं दिए, ब्रांच टीम के साथ मिलकर कॉलिंग कराइए, दो सवाल पूछिए, क्या स्टाफ घर गया था कलेक्शन के लिए और क्या क्लाइंट ने पैसे दिए या नहीं दिए, आपको उसी वक्त कई फ्रॉड पता चल जाएंगे और ऑडिट टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ब्रांच का फ्रॉड खुद पकड़ पाएंगे। फिर कैशबुक में किसी भी तरीके की ओवरराइटिंग, व्हाइटनर का इस्तेमाल, कटिंग ना करें, वो इंगित करता है कि आपके ब्रांच में गलत हुआ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, जितना सफाई से हो उतनी सफाई से भरें। पेटी कैश ब्रांच मैनेजर को दिया जाता है मगर ये पैसा ब्रांच मैनेजर का नहीं है, ये पैसा ब्रांच का है जो ब्रांच को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी देती है, तो उसका पूरा हिसाब ब्रांच लॉगबुक में मिलना चाहिए। खाना बनाने वाली को आप कितना पैसा दे रहे हैं, साफ सफाई वाले को कितना दे रहे हैं, अन्य किन चीजों पे पैसा खर्च हुआ उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। कोई भी ब्रांच में विजिट करता है पहला एक काम जरूर करें, उनको कहिए कैशबुक खोले, कल रात का कैश इन हैंड चेक करें और आज का फिजिकल कैश मिला लें, आज की कलेक्शन अमाउंट को हटाकर आपके आधे फ्रॉड उसमें पकड़ में आ जाएंगे। क्लाइंट से सीवीओस को स्पेशली कहा जा रहा है, क्लाइंट से जब आप पीवी करने जाएं बिल्कुल पूछें कि आपको इस लोन लेने के लिए कोई फीस तो नहीं मांगी गई,
हमारे यहाँ कोई फीस नहीं मांगी जाती, जो डिडक्शन होता है डिसबर्समेंट अमाउंट से होता है, और अगर कुछ लिया भी जाता है वो चेक के तौर पे लिया जाता है। क्लाइंट से कभी भी कंपनी कोई पैसा कैश के रूप में लोन देने के एवज में नहीं लेती है। तो सीबीओ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जरूर पूछें ये सवाल याद से। अगर ऐसा केस है क्लाइंट को भी कैंसिल कीजिए और उसकी रिपोर्ट तुरंत आके आप ऑडिट टीम को करें, उस स्टाफ का जहां पे ऐसा पाते हैं आप। किसी भी क्लाइंट का अगर फोरक्लोज हुआ है तो क्लस्टर हेड की भी जिम्मेदारी है। आप लोगों के नए स्टेट है, यहाँ इतने फोरक्लोज होते नहीं है, महीने में दो केस होंगे। क्लस्टर हेड की जिम्मेदारी बनती है उन क्लाइंट से फोन पे बात करें कि आपने कितना पैसा दिया और फोरक्लोज सिस्टम में कितने का हुआ है। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, डिजिटल रिसीट अगर आप कोई डिलीट करते हैं उसका पूरा विवरण, आपका ब्यौरा पूरा का पूरा ब्रांच लॉगबुक में होना चाहिए कि अगर हम कंफर्म करना चाहें उस क्लाइंट से तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, गलत डीआर इशू हुई थी इसलिए डिलीट की गई है। सेंटर विजिट और फील्ड में अपनी प्रेजेंस बढ़ाइए, उसी से फ्रॉड पकड़ा जाएगा। अगर हम फील्ड में जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, कस्टमर से मिलेंगे, हमें अपने आप पता चलेगा कि इन कस्टमर्स के साथ गलत हो रहा है। और बैंक में ज्यादा से ज्यादा कैश जमा करने की आदत डालें, आपका रिस्क कम होता है। इतनी सावधानी के बाद भी अगर फ्रॉड होता है तो मैं दो चीजें बड़ा स्पष्ट कर दूं। पहला, कंपनी उनके खिलाफ पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट है, उनके नाम पे कंप्लेन रजिस्टर की जाएगी और कुछ भी गलत पाया जाता है तो पूरा कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें पुलिस को उनके घर भेजा जाएगा। हर एक स्टाफ का आधार कार्ड, केवाईसी, सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। होम सेल्फी से घर की लोकेशन तक है हमारे पास। तो पुलिस जाएगी आपके उनके घर में, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार जो भी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। तो ये 10-20 हजार रुपए की चोरी में सालों की कमाई हुई इज्जत को व्यर्थ ना करें। दूसरा, जैसे क्रेडिट ब्यूरो में क्लाइंट का हिस्ट्री देखा जाता है उसके बाद डिसाइड किया जाता है लोन देना है या नहीं, स्टाफ का भी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, उसमें जो फ्रॉड करके भागे हैं सारी कंपनियां उनका रिपोर्ट डालती है। तो जिस कंपनी में फ्रॉड किया वहां से तो नौकरी जाएगी जाएगी, आगे किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, लंबा कैरियर है, आप सब लोगों की उम्र 20 से 35 साल के उम्र के बीच में होगी, आगे बहुत अच्छा काम आप लोगों को करना है, परिवार की जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से निभाएं। अगर आप इन छोटी चीजों में बच के पढ़ेंगे तो यहां से तो नौकरी जाएगी, आगे का पूरा करियर खराब होता है। और गलती से कहीं नौकरी लग गई, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हमारा एचआर फोन करके उस कंपनी के एचआर को बोलेगा इस लड़के की फ्रॉड रिपोर्ट हम भेज रहे हैं, आप इसको नौकरी से निकलवाइए। और हम लोगों ने ऐसा किया भी है, हर एक कंपनी करती है, तो ना करें, इन चीजों से दूर रहें। बाकी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कस्टमर से व्यवहार उचित रखिए, अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, सही तरीके से ड्रेस पहन के जाएं, समय पे पहुंचे और कंपनी के पैसे को पूरी तरीके से बैंक में जमा कराएं। ये कुछ ऐसे चीजें थी जो हमारी नजर में आपको ध्यान में रखना चाहिए और जिनके बारे में आपको अपने फील्ड स्टाफ को भी अवगत कराना चाहिए। ये ट्रेनिंग मटेरियल आप फील्ड स्टाफ के साथ जरूर लें, जिससे लोग सचेत होंगे, वो समझेंगे कि भाई कंपनी अब अपनी तरफ से एक्शन कर रही है और कंपनी को ये सारे तरीके पता हैं कि कैसे कैसे फ्रॉड किया जाता है, तो वो इसको लेके थोड़े सतर्क रहेंगे। बहुत बार जानकारी देने से भी आदमी सुधर जाता है, कई बार अनजाने में गलती होती है। तो अगर आप ये ट्रेनिंग करेंगे फिर कोई ये नहीं बोलेगा सर हमें पता नहीं था अनजाने में हो गया, आपको ट्रेनिंग दी गई थी उसमें ये चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई थी, अब और गलती की कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे अपनी ब्रांच के साथ इस ट्रेनिंग को करें और फ्रॉड को मिनिमाइज करें। मैं बार बार कहता हूं फ्रॉड करना केवल जिस स्टाफ ने गलत किया, फ्रॉड किया है वो गलत नहीं है, उसमें पूरी सुपरवाइजरी टीम, डीएम, ब्रांच मैनेजर इंक्लूडिंग ऑडिट टीम, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर हमारी ब्रांच में नाक के नीचे कुछ गलत हो रहा है हमें पता क्यों नहीं चलता, यानी हम फील्ड से कटे हुए हैं, हमें नहीं पता फील्ड में क्या होता है, हमारा लड़का क्या करता है, तो उस स्थिति में बिल्कुल फ्रॉड होगा।
हमें अपने ब्रांच में कैश कितना है उसकी जानकारी नहीं है, लापरवाह है उसको लेकर, सही तरीके से रख नहीं रहे, तो बिल्कुल फ्रॉड होगा। जिसको मौका मिलेगा वो फायदा उठाएगा। तो इसको लेके फ्रॉड होने का मतलब केवल उस कायदे से स्टाफ पे कार्रवाई नहीं बनती, उस ब्रांच में जितना भी मॉनिटरिंग स्टाफ है इंक्लूडिंग ऑडिट टीम, उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है। और अगर एक्शन करना है, ये जिम्मेदारी पूरे कंपनी आपसे, मेरे से और हम सब लोगों से बनती है। तो हम ये कह के नहीं बच सकते हैं कि कंपनी उस पर एक्शन करे। कंपनी में एक्शन करने वाला कौन है? हम लोग और आप लोग हैं। तो अगर एक्शन लेना भी है तो हम ही को लेना है, हमें उस स्टाफ के घर में जाना है। 80% केसों में अगर आप स्टाफ के घर पहुंच गए, आपकी रिकवरी अपने आप हो जाएगी पुलिस को बिना इन्वॉल्व किए। कुछ एक आध केस होंगे जहां पुलिस की मदद लेनी होगी, मगर हम कतराते हैं, स्टाफ के घर जाना नहीं चाहते। आप मेरे से संपर्क कीजिए, ऑडिट टीम से संपर्क कीजिए, हम उसके घर का एड्रेस, नाम, पता सब देंगे। मगर स्टाफ के घर में जाना पड़ेगा 3-4 जनों को लेकर कि भाई आपका लड़का पैसे लेके भागा है, आप या तो पैसे जमा करें, नहीं तो यहाँ से हम सीधा पुलिस में जा रहे हैं और कंप्लेन डालेंगे। ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है, कस्टमर के लेटर हमारे पास है, और हमारे पास बैंक का और कंपनी के सारे कागज है, रसीद हमारे पास रिसीविंग दी गई है। आधे केसेस में वहीं सुलझ जाएगा मामला। जहां जरूरत पड़े लीगल टीम की हेल्प लीजिए, मगर फ्रॉड रिकवरी भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर फ्रॉड हमारी लापरवाही से हुआ है तो रिकवरी करके सुधारना हमें ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछे सवाल। सर, इसमें एक चीज हटना चाहिए था, जैसे इसमें दिए हुए हैं अच्छा बैग हमेशा साथ रखना चाहिए। तो बिहार में हम देखें सर, जहाँ जहाँ बैग उग लेके चला है और किसी को ये पता है ये माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ है, तो वहाँ पे 100% स्नेचिंग हुआ है, इसीलिए बैग को अवॉइड करना चाहिए। मैं मानता हूँ संजय आप गलत नहीं है। पहले एक ट्रेंड ये चला था कि कंपनियां बैग के ऊपर माइक्रो फाइनेंस अपनी कंपनी का लोगो लगाते थे। जब ऐसी घटनाएं बनी तो लोगों ने लोगो हटाना शुरू कर दिया, लोगो हटा दिया कि जिससे कि वो आसानी से पहचान में ना आए। मगर थोड़ा सा संजय ये मैं आप लोगों के विवेक और निर्णय पे छोड़ता हूँ, आप क्या उचित समझते हैं। क्योंकि बहुत बार देखिए कैश इतना ज्यादा हो जाता है, कॉइन भी है, नोट्स भी है। कई बार हमारे यहाँ कई लड़के कहते हैं कि सर जेब से पैसा गिर गया। हम मानते हैं हमने कस्टमर से पैसा लिया, मगर जेब से गिर गया अब सर वो हमें ही भरना पड़ेगा, हम मान रहे हैं हमसे गलती। तो आप जैसा उचित समझे, ये लोकल कंडीशन के ऊपर है। अगर आपको लगता है बैग कैरी करने से रिस्क बढ़ता है तो आप ना कैरी। अगर हमारा लिखने जहां बैग कैरी कर रहे हैं वहां पे जिप अच्छी हो, बैग नीचे से फटा ना हो, पता लग रहा पैसे रखे आपने और वो पैसे गिरे। उसमें ये कर दीजिए सर, ये कंपलसरी नहीं है, वो अपना जिसको सही लगे वो ले जाके जा सकते हैं, जिसको सही नहीं लगे वो नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ, वो आप लोगों की अपनी जो भी लोकल परिस्थिति रहे, जैसा आप उचित समझे। अगर आप महसूस करते हैं बैग लेना खतरनाक हो सकता है या काम में दिक्कत पैदा करेगा, आप बैग अवॉइड करें, हमें उसमें कोई दिक्कत। ठीक है सर, और कुछ नहीं था। और कोई अगर कोई सवाल या डाउट पूछना चाहे। मेरे ख्याल से इन विषयों में सवाल कम ही होंगे क्योंकि ये ज्यादातर जानकारी का सेशन है। सवाल जवाब उनमें होता है जहां पर कुछ काम हम लोग कर रहे हैं और उसका नया तरीका या फिर उस तरीके को समझाया जाता है, जैसे DCR प्रोसेस है या डिजिटल पेमेंट। ये ज्यादातर जानकारी का सेशन रहा और मेरे ख्याल से इन बताई गई बातों से किसी को भी कोई बहुत ज्यादा भेद मतभेद नहीं होगा। तो अगर कोई सवाल ना हो, हम चाहेंगे कि इस सेशन को आप अपनी टीम के साथ भी लें और उनको इन सारी जानकारियों से अवगत कराएं। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आती है, आप बिल्कुल अपने क्लस्टर हेड या क्लस्टर ऑडिट मैनेजर का सहयोग लें, उनसे बात करें। अगर नहीं सॉल्व होता तो आप उस इशू को हेड ऑफिस तक भी उठा सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रॉड पे कंपनी की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। हमें पैसे से नहीं मतलब है कि फ्रॉड केवल सर 20 रुपए का फ्रॉड था। अगर फ्रॉड है हमारे लिए फ्रॉड है और उस पर कार्रवाई होगी। तो इस पे कोई नहीं है कि सर पैसा बड़ा या छोटा था इसलिए कार्रवाई उस हिसाब से छोटी करी जाए।
फ्रॉड फ्रॉड है और उसपे एक ही कार्रवाई बनती है टर्मिनेशन। तो नौकरी ना खोए 10-20 रुपए या 2-3 हजार रुपए के लिए, आगे बहुत बड़ा कैरियर है, अच्छे से काम करें मेहनत से। आपके सीनियर आपके साथ हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका ये करियर साफ काम करने से ही बना है। नहीं तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली कोई फ्रॉड करके तो इतने साल का एक्सपीरियंस बनाएगा नहीं। तो आप भी अगर इतनी मेहनत करेंगे और साफ काम करेंगे तो जिस पोजीशन पे आपके सीनियर हैं आप लोग भी पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यंग करियर है, मेहनत करेंगे बिल्कुल सबका बनेगा करियर। ठीक है, तो धन्यवाद आप सब लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए, और उम्मीद है इस सेशन से आप लोगों को फायदा हुआ। बिल्कुल सर, थैंक्स। Thank you.